हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एनालिसिस होता है ये दो वे से मैक्सिममली होता है। कौन सा बेटा? एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। गॉट द पॉइंट? तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि क्वालिटेटिव में हम लोग क्या देखते हैं, एक्सट्रैक्शंस देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस देखते हैं, प्रेसिपिटेशंस देखते हैं, है ना, या फिर डिस्टिलेशन। और क्वांटिटेटिव में वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक, ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने देख चुके थे। तो आज का टॉपिक जो है केमिकल मेथड्स, कौन सी मेथड यूज करना आपको, केमिकल मेथड किसके लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। जब भी ये मेथड्स हम लोग यूज करते हैं तो इसके अंदर मैं सबसे पहले बता, जो पॉइंट ध्यान में रखोगे ये ध्यान में रखना, हैविंग दो मेथड से फॉर्म होते, एक तो ड्राई और दूसरी वेट। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, हैविंग टू मेथड्स, हैविंग टू मेथड्स। कौन सी बेटा? पहली ड्राई एंड दूसरी है वेट। ठीक है, अब ये ड्राई और वेट का मतलब होता क्या है, तो इसके पहले हम उसका जनरल अगर मीनिंग देखते हैं तो ड्राई मतलब होता है जो सूखा होता है, ठीक है, और वेट का मतलब जो गीला होता है। यहां पे भी आपको वही है लेकिन थोड़ा सा अलग वे में आपको पढ़ता है। ड्राई मतलब क्या होगा, विदाउट डिजॉल्व, मतलब वो जैसा है वैसा है आपको, इट मींस दैट मैक्सिममली सॉलिड केस में हम उसको यूज करते हैं। जैसे भी जो भी सब्सटेंस को आपको एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, जैसा का वैसा उसको आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। और वेट के अंदर में क्या करना होता है, उसे सबसे पहले आपको डिजॉल्व करना होता है, मतलब जो भी सब्सटेंस आपको दिया है जैसे हार्ड है या सॉलिड है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको लिक्विड में, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बेटा कि जो केमिकल मेथड में क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको जो करना है वो सबसे पहले हम ड्राई का देखते हैं। ठीक है, अब ड्राई के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ड्राई के अंदर में जो भी हम सैंपल लेंगे, जो भी हम क्या लगेंगे, सैंपल किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी केमिकल्स का हम लोग क्या लेंगे, सैंपल। और सैंपल क्यों लेंगे, क्योंकि उसका क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सैंपल इज नॉट डिजॉल्व, इज नॉट डिजॉल्व, मतलब सैंपल को हम लोग डिजॉल्व नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही यूज करेंगे। गॉट द पॉइंट? उसको डिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर ऐसा है तो वो एनालिसिस होगा बेटा मेरा ड्राई एनालिसिस, या फिर वो एनालिसिस जो आप करोगे उसे बोलते हैं ड्राई एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं आपको, तो आपको मैंने दिया बेटा सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट NaCl दे दिया, है ना, सॉल्ट। तो जो सॉल्ट उसका एनालिसिस करना, जैसे दिया है वैसे आपको उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है, वो दिखता कैसे है, वेट कितना है, क्रिस्टल फॉर्म में है, कैसे है, ये जो आप करोगे दैट इज कॉल्ड ड्राई एनालिसिस। पॉइंट समझ में, इजी बिल्कुल। और दूसरा जो एनालिसिस है वो कौन सा बेटा आपका, वेट एनालिसिस, कौन सा, वेट एनालिसिस। अब यहां पे ये जो सैंपल आप लोगे इसके अंदर में आपको करना क्या है, सैंपल अंडर टेस्ट इज अ डिजॉल्व, आपको जो भी सैंपल लेना है, जो भी टेस्ट के लिए आप सैंपल लोगे उसको क्या करना है, आपको डिजॉल्व करना। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सैंपल जो लेंगे यहां पे अंडर टेस्ट, जो भी सैंपल हम टेस्ट के लिए लेंगे उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डिजॉल्व करना है, क्या करना है, इज डिजॉल्व, देन आपको उसको एनालाइज करना है, एंड देन एनालाइज, क्या करना है उसको आपको बाद में एनालाइज करना है। समझ में आया, बिल्कुल इजी है। क्या करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए आपको क्या करना बेटा, दो मेथड्स यूज होती है, मतलब दो पार्ट में उसको एनालाइज करते हो, एक सॉलिड मतलब ड्राई और दूसरा वेट। ठीक है, ड्राई में क्या करते हैं, वेट में क्या करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, दूसरा अगर पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखते हैं, जब ये दोनों प्रोसेस हम करते हैं तब आपको क्या होता है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट का क्या करना होता है, यूजेस करना होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे 10th क्लास में या फिर आप 11th में जाओगे तो क्लास में, अभी तो कॉलेज बंद है फिलहाल, तो लैब में जब आप काम करोगे तो वेरियस एपरेटस का आपको सहारा लेना पड़ेगा ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। सिंपल सी बात है ना, जैसे आप क्या क्या यूज़ करते हो बेटा लैब में, एपरेटस में क्या क्या यूज़ करते हो, सिंपल सा है, जैसे हम लोग गैस बर्नर से लेके बड़े बड़े जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वगैरह होते हैं, पीपेट होता है, बर्नर होता है, कोनिकल फ्लास्क होता है, है ना, जैसे स्टॉपर होता है, स्टॉप वॉच होती है, ग्लास रॉड होता है, बहुत सारे हैं। जैसे केमिकल्स को आइडेंटिफाई और मेजर करने के लिए हम वेरियस क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ क्या यूज करते हैं, एपरेटस, क्या यूज करते हैं, एपरेटस, और साथ में यूज भी क्या करेंगे, और केमिकल्स।
ठीक है ना, और केमिकल्स लेंगे, एपरेटस लेंगे, फिर केमिकल्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है तो आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो वर्ड बताया मैंने बेटा, यूजेस वेरियस टाइप्स ऑफ एपरेटस एंड केमिकल्स। अब ये जो एपरेटस है, तो एपरेटस के अंदर में आप कौन से एपरेटस यूज करते हो, यू नो वेरी वेल। जैसे कि क्या क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो ये आपको अच्छे से पता है, टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद में बीकर्स, बीकर्स के बाद में बेटा इवेपोरेटिंग, इवेपोरेटिंग क्या यूज़ करते हो, इवेपोरेटिंग डिश, ये यूज़ करते हो। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे वाटर बाथ है, किसी को ठंडा करना है तो वाटर बाथ यूज़ करते हो, साथ में बर्नर यूज़ करते हो। ठीक है, वायर गेज यूज़ करते हो। ये वायर गेज होता क्या है, क्या है, जब आप लैब में जाओगे तब आपको पता चलेगा बेटा कि वायर गेज होता क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। स्पॉट प्लेट होती है, स्पॉट प्लेट है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका टेम्परेचर है, थर्मोमीटर है, या फिर स्टॉप वॉच है, एक्सेट्रा, मैं एक्सेट्रा बोल देता हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं कि जो आप क्या करते हो बेटा, एपरेटस के तौर पे यूज करते हो। गॉट द पॉइंट? नाउ अगर हम केमिकल्स देख लें, ठीक है, नेक्स्ट है, अगर केमिकल्स के अंदर में देखें, जैसे मैंने बोला एपरेटस, एपरेटस में तो ये लोग आप यूज़ करोगे, केमिकल्स में अंदर है तो आप लोग क्या यूज़ करोगे, लाइक केमिकल्स के अंदर में क्या क्या यूज़ करोगे बेटा, आप सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन यूज़ करोगे, है ना, हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स होंगे, कार्बन यूज़ करोगे। ठीक है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन्स हो गया, उसके बाद में ऑक्सीजन यूज़ करोगे, कार्बन है, सल्फर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो आप क्या करते हो यूज है। जैसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अगर होते हैं तो फॉस्फरस है, ठीक है, या फिर हैलोजन है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से क्या यूज करते हो आप लोग, केमिकल्स यूज करते हो। ठीक है बेटा, नाउ और कोई भी चीज अगर है तो इसके अंदर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप यूज नहीं, सॉरी, इसका एनालिसिस करते हैं कि भैया जो भी हमने केमिकल्स लिए उसके अंदर में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीजों का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का हम क्या करते हैं बेटा, एनालिसिस। तो ये सब हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर में। इसके बाद का जो टॉपिक है आपको क्या पढ़ना है, जैसे क्या पढ़ा हमने, केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव, क्या बोला मैंने, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये जो है, जैसे हम लोगों ने क्या किया, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या किया बेटा, ड्राई वेट का देखा, ये क्वालिटेटिव, सॉरी क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव, क्या है, क्वांटिटेटिव, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुई थी, देख लो थोड़ा सा, ठीक है, ये क्वालिटेटिव और ये क्या होगा आपका क्वांटिटेटिव, वो देखते हैं कि उसके अंदर में आता क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप लोगों को क्या करना है, जैसे उसकी देखा हूँ बेटा, क्वालिटी चेक करनी है, ठीक है ना। अब क्वालिटी चेक करने के लिए यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में देखो थोड़ा वास्ट इसमें दिया है, मतलब पैसेज पैटर्न में दिया, तो इसको हम बेटा थोड़ा पॉइंट वाइज में अगर देखते हैं, तो पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा आपको, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है कि जो सब्सटेंस आपको दिया है उसके अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। क्या बोला, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, क्या देखेंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज, बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है, ये चीज अगर आप देखते हो इसके तुलना में ये थोड़े पॉइंट आपको अलग दिखेंगे। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, इसका मतलब क्या होगा, इसका सिंपल सा मतलब है बेटा, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे आपको क्या दे दिया, NaCl, क्या दे दिया, सॉल्ट, क्या दे दिया बेटा, सॉल्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल, हाँ ये यहाँ पे
ये NaCl मैंने आपको दे दिया सॉल्ट, ठीक है। अब ये सॉल्ट के अंदर में दो कॉन्स्टिट्यूएंट आपको मिल रहे, एक Na और दूसरा Cl, तो वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उनका अमाउंट कितना प्रेजेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा किसकी क्वालिटी, दोनों में से किसकी क्वालिटी ज्यादा है, किसकी क्वालिटी कम है ये, और किसका अमाउंट कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन दैट सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये चीज ध्यान में रहेगा बाद में। दूसरी चीज आप देखते हैं वो है बेटा आपका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, उसका अमाउंट, वो कितने क्वांटिटी में वहां पे प्रेजेंट है। कॉन्स्टिट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन कंपाउंड, नॉन कंपाउंड ये आपको चेक करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन कंपाउंड, व्हाट इज द पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन कंपाउंड ये चेक करना, मतलब जो भी कंपाउंड है उसके अंदर में उसका कॉन्सेंट्रेशन। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट देखे, जैसे सॉल्ट्स के अंदर में Na प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है, अब सेकंड केस में आपको क्या एनालाइज करना है कि भैया वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उनका अमाउंट कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ये चीज आपको देखना है। नाउ थर्ड वन, यहाँ पे आपको देखना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या चेक करना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, मान के चलो मैंने आपको ए प्लस बी दिया और सी प्लस डी दिया, ठीक है, मतलब ए प्लस बी ये रिएक्टेंट हो गए, इनके बीच में कुछ रिएक्शंस हुई और प्रोडक्ट मिल गया बेटा आपको सी प्लस डी, गॉट द पॉइंट। अब यहां पे जो अमाउंट था, यहां पे वो चेंज हुआ एड इज इट, मतलब एज इट इज है, या फिर कम हुआ या फिर ज्यादा हुआ, तो ये चेक करना मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको यहां पे चेक करनी पड़ेगी। अगर देखते हैं फोर्थ पॉइंट, तो यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इन रिएक्शन, फिर से आपको क्वालिटी चेक करनी, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करना है कि ये प्रोग्रेस इन रिएक्शन भी चेक करना है कि वो रिएक्शंस के बीच में जो प्रोग्रेस है, मतलब वो स्लो रिएक्शन है, फास्ट है, कितने समय में कंप्लीट हो रही है, ज्यादा समय लग रहा है, कम समय लग रहा है, ये चेक करना, मतलब क्या करना बेटा, प्रोग्रेस इन रिएक्शंस आपको चेक करना है। नाउ लास्ट अगर हम देखते हैं तो वो रिएक्शंस के अंदर में जो भी हम क्या करेंगे, केमिकल्स प्रेजेंट है उनका क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन्वॉल्व्स, जो भी सब्सटेंस है इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट, इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी जो भी यहां पे यूज हुआ, इन्वॉल्व हुआ, उनका क्या करना है आपको, मेजरमेंट लेना है, और मेजरमेंट लेने के साथ साथ उनकी क्वालिटी भी आपको चेक करनी है, जो भी केमिकल्स आपने क्या किया वहां पे यूज किया, तो इन्वॉल्व्स इन मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ केमिकल्स। तो ये पॉइंट्स आपको किसके अंदर में एनालाइज करना होता है बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर में। इसके पहले पढ़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसके अंदर में आपको ड्राई वेट चेक करना होता है, और यहां पे क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको ये पॉइंट वाइज आपको चेक करना होता है, इजी है बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कौन सा बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कौन सा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ साथ एंड एरर, और जो अपन करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर में जो भी प्रोसेस करेंगे, तो वहां पे जो एरर आएगा और एरर का क्या करना आपको, एनालिसिस करना होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, क्या कि भैया जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर में करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, मैथमेटिकल एनालिसिस जो है, जो भी मैथमेटिक्स के अंदर में क्या होती है, प्रोसेस होती है, जैसे कि कुछ भी पॉइंट्स अगर मान के चलो, जैसे ये 69.023 आंसर आपको मिला, बाद में कोई दूसरा आंसर मिला 63.029 मिला, और बाद में फिर से मिला 69.027 मिला, ठीक है। अब बार बार आप लोग क्या कर रहे हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअसली हम लोग क्या कर रहे हैं, वो आंसर निकाल रहे, लेकिन आपका पर्टिकुलर आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले बार लिया तो ये आंसर आया, दूसरी बार लिया ये आंसर आया, तीसरी बार लिया ये आंसर आया, इसका मतलब जो आप लोगों को आंसर चाहिए वो नहीं मिल रहा ना, इट मींस दैट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर में आपको क्या फाउंड हो रहे हैं, सीधी बात बोले हम तो एरर फाउंड हो रहा है,
गॉट द पॉइंट। अब ये जो एरर फाउंड हो रहे हैं, अब ये एरर को आपको क्या करना है बेटा, एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, और वो एरर जो आए उनको क्या करना है आपको, दूर करना है। तो वो दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर में, अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं, समझ में आया। तो जो एरर है, तो इसके अंदर में जो एरर आया इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एडिशन करेंगे, 1+2+3 जो भी, तीनों का एडिशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, इट मींस दैट इनका क्या निकालेंगे हम, मीन। और मीन निकालने के बाद इन्हें एवरेज जो भी वैल्यू आती है वो क्या हो गया आपका, फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर में जो आपको एरर आया उसको आपने क्या किया, दूर किया, ठीक है। ये कब होगा, जब आप 11th में जाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करोगे, फिजिक्स का प्रैक्टिकल करोगे, तब जाके ये जब आप रीडिंग लोगे वहां पे प्रैक्टिकल्स में, तब इस प्रकार के एरर जब आएंगे उसको दूर करने के लिए आपको मैथमेटिकल नोटेशंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर में आपको जो पहली प्रोसेस पढ़नी होती है, ठीक है, इसके अंदर में जो पहली प्रोसेस है कौन सी बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस के अंदर में, वो है साइंटिफिक नोटेशन। क्या है, साइंटिफिक नोटेशन, क्या बोलते इसको, साइंटिफिक नोटेशन, या फिर इसी का दूसरा नाम है बेटा एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। अब इसके अंदर में होता क्या है, ये बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, ठीक है। अब यहां पे मान के चलो, सपोज मैंने आपको क्या दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट दे दिया, और दूसरी चीज दे दी बेटा एवोगैड्रो नंबर। क्या नंबर दे दिया, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स को देखना है। अब स्पीड ऑफ लाइट अगर हम देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, गॉट इट। अब ये जो है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या होता है, जो साइंटिस्ट लोगों को ये लिखने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि जब उन्होंने उनके समय में ये जब यूज किए तब ये जो वैल्यू उनके साथ में थी, तो 3 के साथ में 0 8 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इतना अमाउंट उनको लिखना पड़ा। अब इतना अमाउंट अगर है तो उनको हैंडल करने के लिए भी थोड़ी बहुत ज्यादा क्या होती थी बेटा, दिक्कत होती थी, कॉम्प्लिकेशन होता था। तो उनको इस वे से उन्होंने क्या किया, क्या किया बेटा, इनको ये वे से उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट किया। ये तो हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट सा। दूसरा अगर हम एवोगैड्रो नंबर लेते हैं, तो एवोगैड्रो की वैल्यू कितनी है, एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022×10⁻², बराबर है ना। अब यही है, अब ये जो नोटेशन है, ये जो आपको दिख रहा है बेटा डेसिमल, जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसका बड़ा ही लोचा है। अब इसको लिखेंगे कैसा, अब ये 23 है और ये क्या है बेटा, जैसे 8 को हमने यहाँ पे बढ़ाया प्लस 3, इसका मतलब ये जो पॉइंट है कितना डिजिट सामने चलेगा, 23। अब ये जो नोटेशंस पढ़ाने के पहले मैं आपको बड़ा एक नोट लिख के देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोट ध्यान में रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेसिमल पॉइंट, मैं इसको डेसिमल बोलूँ या फिर पॉइंट बोल रहा हूँ, पॉइंट को ध्यान में रखो, पॉइंट को अगर सामने चलाते हैं ये लिख के रख देना आपको, ही तो भी सामने चलाते हैं तो पावर में निगेटिव ऐड करना। क्या करना, निगेटिव ऐड करना, कितना, जितना डिजिट चला उतना, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक। और दूसरा, ये तो पहला नोट हो गया, और दूसरा नोट सेम टू यू है, बाकी सेम टू सेम है, बस आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, सामने के जगह पे और ये निगेटिव के जगह पे आपको चेंज करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी सेम टू यू, सामने की जगह क्या करना है, पीछे, ठीक है, बाकी एज इट इज, फिर भी एज इट इज, और निगेटिव की जगह क्या ऐड करना है, पॉजिटिव, बाकी जैसा का वैसा, ये चीज ध्यान में रखना, समझ में आया। अब इसका हम एग्जांपल भी देखते हैं और ये कैसे होता है ये भी देखते हैं।
चलो देखो क्या बोला मैंने, दो नोट लिख के दिए, अगर पॉइंट को हम आगे चलाते हैं मतलब सामने चलाते हैं, ठीक है सामने चलाएंगे तो पावर के एडिशन में क्या होगा, निगेटिव ऐड होगा, कितना होगा जितना डिजिट चला उतना ऐड होगा। और दूसरा अगर पॉइंट को मतलब डेसिमल को हम पीछे चलाते हैं मतलब ये पॉइंट को अगर पीछे सरकाते हैं तो क्या होगा, पावर के एडिशन में पॉजिटिव ऐड होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है एग्जाम्पल में मैंने लिया बेटा 6.022, ठीक है ये एग्जाम्पल, ये तो छोड़ो बाकी का छोड़ दो, ये इतना एग्जाम्पल लिया। अगर ये पॉइंट को मैंने सामने चलाया अगर पॉइंट को सामने चलाया तो पावर के एडिशन में क्या होता है, निगेटिव। तो ये कैसे होगा, देखो 6.022 है तो मैंने इसको लिया 6022 और इसके बाद में पॉइंट तो जैसा का वैसा रहने दो, ठीक है पॉइंट जीरो इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको 50 रुपए दिए और 50.0 भी लिखा तो उसकी वैल्यू कुछ चेंज होने वाली नहीं है। देखो पॉइंट कितने डिजिट चला बेटा, 1 2 3 डिजिट चला, मतलब इसके बाद गया ना, गया ना कहीं भी तो 1 2 3, तो पावर के एडिशन, पावर मतलब 10, ठीक है 10 टू द पावर, पॉइंट अगर सामने चलता है, पॉइंट अगर सामने चलता है तो पावर के एडिशन में कितना होगा, नेगेटिव ऐड होगा, लेकिन कितना, जितना डिजिट चला उतना, कितना डिजिट चला 1 2 3, तो ये हो गया 10^-3। समझ में आया, ठीक है तो ये जी समझ में आ गया बेटा, पावर के एडिशन मान के चलो 4 डिजिट चला -4, 2 डिजिट चला -2, 1 डिजिट चला -1, जितना डिजिट सामने चला उतना डिजिट क्या होगा, नेगेटिव ऐड होगा। और जितना डिजिट, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान के चलो ये हो गया बेटा 98.32, अगर ये पॉइंट पीछे चला, ये पॉइंट क्या चला पीछे, तो पावर के एडिशन में क्या होता है, अगर पॉइंट पीछे चला तो पावर के एडिशन में पॉजिटिव ऐड होता है, जितना डिजिट चला उतना। तो यहाँ पे क्या होगा, कितने डिजिट लाएंगे इसको, 9.98.32 है, अगर मैं के चलो मैंने 0.9832 लिखा मतलब इसके सामने कोई नहीं मतलब जीरो, तो 0.98 हुआ, कितना डिजिट पीछा है, 2 डिजिट, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10^-2। ईजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आया ये, ठीक है क्या हुआ, अगर पावर मतलब सॉरी अगर पॉइंट मतलब डेसिमल अगर सामने मूव होता है जितना डिजिट चला माइनस ऐड होगा, पीछे मूव होता है तो जितना डिजिट चला उतना पॉजिटिव ऐड होगा। पॉइंट समझ में आया, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसके आगे का जो टॉपिक है बेटा, मेरे पास तो जगह नहीं है तो मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं ताकि ये जो टॉपिक है आपका मतलब ये जो है इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। अब ये लिखना है आपको 6.022, अब ये पॉइंट क्या करना है आपको, चलाना है कितना बेटा, कितना कितना चलाना है, सिंपल पॉइंट अब यहां पे है, पॉइंट अब यहां पे है, इसका मतलब मुझे ये पॉइंट क्या करना है, 23 डिजिट पे चाहिए। अब प्लस 23 है तो ये प्लस 23 किसके साथ में कैंसिल होगा, माइनस 23 के साथ में, तो ये पॉइंट मुझे माइनस 23 मतलब ये प्लस 23 मतलब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यहां पे भी वही किया बेटा मैंने, ये जो 3 पॉइंट था, पॉइंट को कितने डिजिट सामने सरकाया, 8 डिजिट सामने सरकाया, मतलब इसके अंदर में ये तो डायरेक्ट आपको दिख गया कि ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे बड़ा ही लोचा होने वाला है, क्योंकि अच्छे से पढ़ना, माइंड में कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लस 23 किसके साथ कैंसिल होगा, माइनस 23 के साथ में, अब यहां पे माइनस 23 आएगा कैसे, तो ये पॉइंट को आपको सामने सरकाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सामने जब चलाएंगे तभी तो क्या होगा, निगेटिव ऐड होगा। अब देखो ये पॉइंट यहां पर चलेगा कितना, ठीक है अब यहां पर मैं थोड़ा सा पार्टीशन बना देता हूं और अलग पेन से लिखता हूं। अब ये हो गया मेरा 6, बाद में 0 2 2, ठीक है। अब पॉइंट कितने डिजिट मुझे सामने चलाना है, 23, क्यों, क्योंकि जब सामने 23 जाएगा तभी पावर के एडिशन में माइनस 23 होगा, और माइनस 23 प्लस 23 कैंसिल हो गए, ये पर्टिकुलर वैल्यू मुझे मिल जाएगी। पॉइंट समझ में आया, चलो देखो अब कितने डिजिट चला, 1 2 3 3 तो ऑलरेडी चला, अब कितने टाइम चलाना है, 23 में से 3 तो गया बस, अब 20, अब 20 जीरो ऐड करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये ऐसी वैल्यू मुझे लिखना पड़ेगा, तब जाके मीनिंग इसका सेम टू सेम होगा। समझ में आई बात? तो ये इस प्रकार से आपको कन्वर्जन होगा। अभी तो फिलहाल बस ये दोनों नोट आप अच्छे से समझना। पॉइंट को अगर सामने चलाते हैं पावर के एडिशन में नेगेटिव ऐड होता है, पॉइंट को पीछे चलाते हैं पावर के एडिशन में मतलब प्लस ऐड होता है। इसका नोटेशन भी आपको लिखना होता है बेटा, ठीक है? किस प्रकार लिखना है, क्या है, ये सेम टॉपिक मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है उनको कन्वर्ट करने के लिए। इसका जो फॉर्मूला आता है जिसको पर रिप्रेजेंटेशंस बोलते हैं, मैं वो रिप्रेजेंटेशंस भी आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन, इनका जो रिप्रेजेंटेशंस होता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है बेटा n इंटू टेन रेस टू द पावर n, इस प्रकार से। क्या लिखा जाता है? कैपिटल n इंटू टेन रेस टू द पावर स्मॉल n। अब ये स्मॉल n जो होता है इट मे बी, ये जो होता है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। और ये जो कैपिटल एन की जो वैल्यू होती है ये रेंज में होती है, मतलब रेंज फ्रॉम, वैल्यू रेंज फ्रॉम, इसकी जो कैपिटल एन की वैल्यू होती है, वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to 10, ठीक है? इसकी जो वैल्यू होती है, जो भी आप लोगे तो वो जो वैल्यू होती है 1 to 10 के बीच में चाहिए। जब भी आप इसका क्या करोगे, मैथमेटिकल नोटेशंस के अंदर में क्या करोगे बेटा, साइंटिफिक नोटेशन जब यूज करोगे इस प्रकार से होगा, ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझा, सिंपल बेटा ये दो रूल फॉलो करना। कौन से? पावर के एडिशन वाले, एक सामने चलता है तो पॉजिटिव, पीछे चलता है तो नेगेटिव। आप ट्राई करना, इससे रिलेटेड टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।